लोहरदगा में पद और पावर के बीच तकरार का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह तकरार लोहरदगा जिले के उप विकास आयुक्त अखोरी शशांक सिन्हा और भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता जितेंद्र प्रसाद के बीच हुई है। इस मामले को लेकर प्रशासनिक महकमे के साथ साथ संवेदकों के बीच भी खूब चर्चा है। मामला और भी गर्म होने की उम्मीद है। ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि भवन प्रमंडल लोहरदगा के कार्यालय में योजनाओं को देखने का कार्य नहीं हो रहा है और वहां से कई लोगों की शिकायत आ रही थी कार्यालय बंद पाया जा रहा है। जब मैंने दूरभाष पे बात किया तो कार्यपालक अभियंता ने बताया कि वो छुट्टी पे हैं और हजारीबाग में। मैंने कहा छुट्टी आपने किससे ली है, तो उन्होंने वो कोई कागज़ नहीं दिखा सके या उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तो आज कार्यालय हम लोग गए तो देखा कि कार्यपालक अभियंता श्री जितेंद्र प्रसाद अनुपस्थित हैं। कैशबुक 1 जनवरी से लेकर के 11 जनवरी के बीच में कुछ भी नहीं लिखा गया है और कहीं भी ऐसा प्रमाण नहीं मिल रहा है कार्य हो रहा है। और तीनों कनीय अभियंता जो हैं, बसंत साहू, किशोर मुर्मू और एक और हैं, तीन कनीय अभियंता हैं, वो तीनों भी वहाँ कार्यालय में नहीं थे। कोई भ्रमण उनके द्वारा अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम भी नहीं दिया गया। तो ऐसी स्थिति में हमने उनसे स्पष्टीकरण पूछा है कि क्यों नहीं कार्य में लापरवाही बरतने में के आरोप में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाए। और अपने DC साहब को मैंने इस संबंध में प्रतिवेदित किया, निरीक्षण टिप्पणी कर लिख करके भेजी है। हम लोग इसलिए भ्रमण कर रहे हैं कि ताकि पदाधिकारी और कर्मी अपने कार्यों के प्रति सजग हों, सचेत हों, कोविड का बहाना करके छुट्टी लेके घर में न बैठें, सरकार के कार्यों का समय पर निष्पादन करें और जनता को लाभान्वित।